नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कंपटीशन कम्युनिटी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज हम बातें करने वाले हैं सीजीपीएससी मेंस का, क्योंकि प्रीलिम्स की कहानी हो चुकी है खत्म। अब आपको जो हथियार लेकर चलना है वो चलना है मेंस के लिए, मतलब तैयारी जो हमको करनी है वो मेंस की करनी है। मेंस की जब यहाँ पर हम बातें करते हैं तो पेपर 5 का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पार्ट 2, और पार्ट 2 संबंधित होता है आपका भारतीय भूगोल से, इंडियन ज्योग्राफी से। यदि पिछले कुछ वर्षों के प्रश्न यदि आप देखें तो वहां पर कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो है वो ज्यादा पूछे गए हैं। इस बार भी प्रीलिम्स में यदि देखा होगा तो कहीं ना कहीं मेंस ओरिएंटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे। इसका मतलब यह हो कि जिन बच्चों ने मेंस अच्छे से पढ़ा होगा वो प्रीलिम्स के क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते थे। बहरहाल यहां पर बातें जो हैं वो मेंस की होने वाली है, प्रीलिम्स की बातें हम यहां पर नहीं करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं कि क्या एक प्रश्न पूछा गया था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही प्यारा और फेवरेट सेक्शन है सभी का, जो कि ज्योग्राफी पढ़ते होंगे उनके लिए भी, और वो बच्चे जो कि ज्योग्राफी से प्रेम करते हैं उनके लिए भी। तो आइए यहां पर हम देखते हैं, भारतीय मानसून की उत्पत्ति में जेट स्ट्रीम की भूमिका समझाइए, मतलब जेट स्ट्रीम क्या रोल क्रिएट करता है इंडियन मानसून के ओरिजिन में। और यदि आपने ध्यान से देखा होगा तो इस बार भी एक जो क्वेश्चन पूछा गया था वो जेट स्ट्रीम से ही संबंधित था। कहने का तात्पर्य यह है कि जिन बच्चों ने 2021 के मेंस में इसको लिखा होगा, 21 का मेंस मतलब 22 में हुआ था ऑफ कोर्स, जैसे अभी 22 का प्रीलिम्स 2023 में हो रहा है वैसे ही, तो पिछले वर्ष जिन्होंने इसको लिखा होगा डेफिनेटली इस बार के आने वाले प्रीलिम्स उन्होंने इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व किया होगा। ठीक है, तो यहां पर एक क्वेश्चन जो आया था 8 मार्क्स का, बड़ा सवाल ये है सर क्या हमेशा 8 मार्क्स का ऐसा क्वेश्चन आ सकता है? बिल्कुल नहीं, 2 नंबर में भी पूछे जा सकते हैं, 4 में भी पूछे जा सकते हैं, 8 में भी पूछे जा सकते हैं, 10 में भी पूछे जा सकते हैं। तो सबको हम आपको बताएंगे कि कैसे कैसे हमको इसको लिखना चाहिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि यार ये जेट स्ट्रीम है क्या, या फिर कौन सी बला है जो इतना परेशान कर रखी विद्यार्थियों को। तो सबसे पहले मैं आपको इसके नाम पे बताता हूं कि ये आया कैसे, हालांकि आप लोगों को लिखना नहीं है, बस समझ लो कि होता क्या चीज है। एक्चुअली क्या हुआ ना कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जब अमेरिकी जो फाइटर जेट प्लेन हुआ करते थे जापान की तरफ जब जाते थे, है ना, जब जापान की तरफ उन लोग फाइट करने के लिए जाते थे, बमबॉर्डिंग करने के लिए जाते थे, तो जाने के समय उनको बहुत ज्यादा ऐसा लगता था कि भाई कोई हवाएं जो हमको रोक रही हैं, और आने के टाइम उनको हल्का लगता था, तो उनको लगता था भाई कुछ दैवी शक्ति तो नहीं है करके। बाद में एनालिसिस किए, जब इनके बारे में कुछ स्टडी करी गई, तब पता चला अच्छा उधर से कुछ पवने चलती हैं, जो कि कौन से डायरेक्शन में चलती हैं, पश्चिम से पूर्व डायरेक्शन में। सुनिएगा, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, ये केवल हम उन पवनों की बातें कर रहे हैं जो अमेरिकी क्षेत्रों में चल रहे थे, राइट। और ये पवने जो रहती हैं वो थोड़ी ऊपर लेटिट्यूड में चलती थी, तो उस समय इनका जो नाम है वो दिया गया जेट स्ट्रीम, यानी कि जेट पवने। हालांकि इसको आपको मेंस में लिखना नहीं है, केवल आपके समझाने के लिए लिखना क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। प्रकृति कैसी होती है, इनका नेचर कैसे होता है, इनकी जो नेचर होता है मतलब इनकी जो प्रकृति जो रहती है वो गर्म होती है। कैसी होती है, ये गर्म पवने होती हैं। दूसरा, अगर हमसे पूछा जाए कि सर ये कितनी ऊंचाइयों पर चलती हैं, क्योंकि पवने 2 प्रकार की होती हैं, एक स्थली पवने होती है जो कि आपकी नॉर्मल हाइट पर चलती हैं, और एक जो रहते बेटा उसको हम लोग बोलते हैं ऊपरी वायु परिसंचरण, मतलब हाई एल्टीट्यूड जो आपका एयर सर्कुलेशन होता है उसको हम लोग कहते हैं ऊपरी वायु परिसंचरण। ये काफी अधिक ऊंचाइयों पर चलती है, अधिक ऊंचाई इन द सेंस अगर हम बातें करते हैं तो लगभग 9 से 13 किलोमीटर की ऊंचाइयों पर चलती है। आप एनसीईआरटी के क्लास 11 देखिएगा, उसमें पूरा डिटेल में इसके बारे में आपको दिया गया है, राइट। इसके बाद हम आगे देख लेते हैं यहां पर कि इसका डायरेक्शन क्या होता है, तो यहीं पर असली खेल होने वाला है। जो क्वेश्चन आपको पूछा गया था ना कि भारतीय मानसून में इनकी क्या भूमिका है, ये आपको बताना है। तो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, एक्चुअली क्या होते हैं ना कि जेट पवने की ज्यादातर जो शाखाएं होती हैं, अभी बहुत सारे ब्रांचेस हैं इनकी, समझिएगा, एक तो इन लोग कहां कहां पर चलते हैं, एक आपका मिड लैटिट्यूड में यानी कि मध्य अक्षांशों में चलेंगी, एक थोड़ी सी ऊपरी अक्षांशों में भी चलती हैं, और ज्यादातर जो पवने होती हैं जेट पवने वो वेस्ट से ईस्ट चलती हैं बेटा, ज्यादातर बोला मैंने, सभी नहीं बोली है, ज्यादातर। इंडिया में भी 2 प्रकार की चलेंगी, एक जो चलेंगी वेस्ट टू ईस्ट चलेंगी, जो आपकी आप प्रीलिम्स में पूछा गया था ना, प्रीलिम्स में वो वेस्ट टू ईस्ट वाली थी, है ना, ये क्या करती है तिब्बत के पठार के पैरेलल चलती है, एक डायरेक्शन इधर जाता है और एक डायरेक्शन इधर आता है। दक्षिणी साइड जो आता है ना वो क्या करता है, जाड़े में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। क्वेश्चन में पूछा गया था उत्तरी करके, 3 ऑप्शन दिए गए थे याद रखना, सॉरी 3 स्टेटमेंट दिए गए थे, ऊपर के 2 स्टेटमेंट राइट थे, तीसरा जो स्टेटमेंट था वो उसमें अब जाके देखना, अभी इसी वर्ष का जो हुआ है पेपर, अभी हफ्ते भर हुए हैं, उसमें तीसरा स्टेटमेंट था कि भाई इसकी जो उत्तरी शाखा है वो भारत के जलवायु को प्रभावित करती है या फिर जाड़े में इंपॉर्टेंट रोल क्रिएट करते। बोला नहीं सर, दक्षिणी शाखा करती है, उत्तरी शाखा नहीं करती, क्योंकि उत्तरी शाखा इधर भाग जाती है, दक्षिणी शाखा इधर आती है।
पार्टी है। तो स्टेटमेंट जो थ्री था ना, जहां तक मुझे याद आ रहा है नंबर थ्री था, वो रॉन्ग था। तो केवल एक और दो उसमें सही जवाब हो जाएगा। आयोग ने बिल्कुल सही आंसर लिया। फिलहाल उसको हम पीछे छोड़ते हैं, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो डायरेक्शन में कंफ्यूजन नहीं होना है, पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है ज्यादातर। लेकिन जो इन्होंने पूछा है कि भाई भारतीय मानसून की उत्पत्ति, तो वो जो जेट पवने होती है ना, वो आपकी चलती है ग्रीष्म ऋतु में। ये चलती है कौन सी ऋतु में? शीत ऋतु वाली है। क्या बोला हमने? ये शीत ऋतु वाली है। तो जो शीत ऋतु वाली रहेंगी वो चलेंगी वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। अब ग्रीष्म ऋतु की जब हम बातें करते हैं तो वो चलती बेटा ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, यानी कि पूर्व से चलेंगी। याद रखना किधर से? पूर्व से। और एक और चीज आपको समझना है, जब ये वेस्ट टू ईस्ट चलती है ना, तो याद रखो आप लोगों ने सुन रखा होगा कि शीत ऋतु में यानी कि ठंड के दिनों में हमारे यहां भारत में पश्चिमी विक्षोभ से बारिश होता है। सुना है कि नहीं भैया? जिन हवाओं में मॉइस्चर रहेगा, जो हवाएं थोड़ी सी मॉइस्ट रहेंगी, जो हवाएं थोड़ी सी गर्म रहेंगी, उन्हीं के पास तो मॉइस्चर होगा ना। और मॉइस्चर के कारण ही, नमी के कारण ही क्या करता है वो? बारिश करता है। तो वो इनके साथ आती हैं, ठीक है। अब ग्रीष्म ऋतु में जो पवने आती है ना, उधर से आती हैं, वो किनके भाग होते हैं? वो व्यापारिक पवनों के भाग होते हैं। किनके? ट्रेड विंड्स के। आप जब पढ़ेंगे ज्योग्राफी में विंड ग्लोबल विंड जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर आपको समझ आएगा कि जो दक्षिणी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में जो चलते हैं ना, भूमध्य रेखा से थोड़ी दूरियों पर, उनको हम कहते हैं क्या पवने? व्यापारिक पवने, यानी कि ट्रेड विंड्स, जो बिल्कुल भूमध्य रेखा के नजदीक चलेंगी, बिल्कुल 5 डिग्री, उसको कहते हैं डोलड्रम्स। भूमध्य रेखा से दूर उपोष्ण कटिबंधियों में चलती, उनको हम कहते हैं वेस्टर्लीस, यानी कि पछुआ पवने। और जो काफी ऊंचाइयों पर और काफी दूरियों पर, मतलब ध्रुवों के पास चलती हैं, उसको हम कहते हैं ईस्टर्लीस। तो ये जो पार्ट रहता है वो किसके साथ आता है? ये आते हैं व्यापारिक पवनों के साथ। और यही व्यापारिक पवने जो रहती हैं वो मानसूनी पवनों को क्या करती हैं? अपनी ओर अट्रैक्ट करती हैं। क्यों ऐसा होता है सर? क्योंकि ये हवाएं क्या रहती हैं नेचर में? क्या होती हैं? ये गर्म होती हैं। और ये इफेक्ट वाला पार्ट है ना, और गर्म होने के पश्चात क्या करती है? तिब्बत का जो प्लेटू होता है, तिब्बत का जो पठार होता है, चूंकि फ्लैट है वो, आप कभी जाके देखेगा तिब्बत हालांकि ऊंचाई में स्थित है लेकिन एक ऊंचाई के बाद थोड़ा सा फ्लैट है, वहां पर क्या कर देता है? उस पोर्शन को गर्म करता है। जैसे ही हिट होगा, जैसे ही हिट अप होगा, तो याद रखना मेरे दोस्तों, मानसून की उत्पत्ति के सिद्धांत में सबसे बड़ा और कॉमन सिद्धांत यह है कि धरती वाला पार्ट जितना ज्यादा गर्म होता है, मानसूनी पवने उतनी अधिक आकर्षित होती है। आपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि भैया इस बार गर्मी अधिक पड़ रही है, गर्मी अधिक पड़ रही है मतलब बारिश भी अच्छी होनी है। तो सीधी सी बात है, जितना अधिक ये अपना गर्म प्रभाव यहां पर छोड़ता चला जाएगा, मानसून की उत्पत्ति के लिए उतने ही अच्छे साधन यहां पर देखने को मिलेंगे। मतलब सिंपल कांसेप्ट है, ज्यादा गर्मी हो रहा है, ज्यादा गर्मी पड़ रहा है, तो मानसून की पवनें उतनी अधिक क्या होंगी? वहां पर अट्रैक्ट होंगी, उस ओर आकर्षित होंगी। तो आपसे जो प्रश्न पूछा गया था ना मेरे दोस्तों, वो इस पवनों की बात कर रहा है जो कि वेस्ट डायरेक्शन से नहीं बल्कि पूर्व दिशा से इंडिया में एंटर करने वाली है। हालांकि अफ्रीका में भी करती है और इंडिया में भी करती है। आप एनसीईआरटी का जब डायग्राम देखेंगे तो आपको दो डायग्राम देखने को मिलेगा, जिसमें से एक डायग्राम यहां पर मैं लेकर आया हूं, बाकी डायग्राम हम कराएंगे क्लास में। आप ज्वाइन करिए 1st of March से, बहुत मजा आएगा भाई। मतलब ऐसा पढ़ने को मिलेगा ना, हमारी पूरी की पूरी टीम बहुत ही जोश और एनर्जी के साथ ऐसे डिजिटल बोर्ड में आप लोगों को ऑफलाइन फिलिंग देने वाली है। ऑफलाइन की क्लासेस जो शुरू होने वाली 1st of March से, बहुत मजा आने वाला है। 28th जो फेब है वो आपका जो रजिस्ट्रेशन का है डेट, आप करवा लीजिए। उसके बाद रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो शायद फी में वृद्धि हो सकती है, तो उसके पहले आप लोग रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो आपको भारी भरकम छूट मिल जाएगा। हमारे कॉन्टैक्ट जो नंबर आपको दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, सारी डिटेल आपको वहां पर दे दी जाएंगी। तो आइए चलते हैं यहां पर, तिब्बत का जो पठार होता है बेटा, यहां पर आप देख सकते हो जो क्वेश्चन अभी प्रीलिम्स में आया था वो ये वाला पार्ट है, इसलिए जानबूझकर उसको मैंने ऐड किया है। यहां पर दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक उत्तरी शाखा और एक दक्षिणी शाखा। इंडिया में जो एंट्री मारती है वो दक्षिणी शाखा है, और ये समय जो रहता है ये शीत ऋतु का समय है, और यहां पर जो हमने बताया बेटा ये ग्रीष्म ऋतु का समय है, क्योंकि मानसून जो आता है इंडिया में, मानसून कब आता है बेटा? जस्ट ग्रीष्म ऋतु एंड होने वाली होती है, या फिर ग्रीष्म ऋतु का एंडिंग ही इंडिया में मानसून का एंट्री है, ये बोल सकते हैं। मई जून में आता ना भाई, जून के आपका जो सेकंड पखवाड़ा रहता है वहीं पर तो मानसून आता है, मतलब ग्रीष्म ऋतु वहां पर खत्म हो रही होती है, उसी समय इंडिया में एंट्री करता है। और ये जो जिस ब्रांचेस की जो उन्होंने बातें करी है वो पूर्वी आपके जेट स्ट्रीम की बातें यहां पर इन्होंने की है। तो इस प्रकार से भारतीय मानसून को क्या करता है? ये प्रभावित करता है, या फिर उसकी उत्पत्ति के लिए एक सहायक कारक के रूप में जाना जाता है।
इतना समझ आया मेरे ख्याल से, सभी को समझ आ गया होगा। और अब सर आप ये बताइए, यदि दो नंबर का प्रश्न आता है तो इसको हम कैसे लिखेंगे? सिंपल है भाई, यदि दो नंबर का यदि आता है तो आप बिल्कुल ऐसे लिखना कि ग्रीष्म ऋतु में हिमालय के उत्तर पश्चिम जेड धाराओं का तथा भारतीय प्रायद्वीप के ऊपर उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेड धाराओं का, क्योंकि पूर्वी पूछा, मतलब आपको पूछा गया है कि भारतीय मानसून में उसकी उत्पत्ति के कारण कैसे होंगे, कैसे ओरिजिन करेगा, ये बताइए। तो आपको बताना है पूर्वी जेड धाराओं का प्रभाव होता है जो कि मानसूनी पवनों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और इसलिए यहां पर बारिश होती है। इंग्लिश वाले बच्चे ऐसे लिख लीजिए, हिंदी वाले बच्चे ऐसे लिख लीजिए। दो नाम, दो मार्क्स का है, आपको 30 शब्द सीमा ध्यान रखना होगा, तो आपको इतने में लिखना होगा। यही क्वेश्चन यदि 4 मार्क्स में आता है, 4 मार्क्स में, तो आपको थोड़ा सा यहां पर मसाला डालना है। मसाला क्या डालना है? मसाला ये डालना है कि भैया ऊपर वाली चीजें तो आपको सेम लिखनी है, आपको बता देना है कि चूंकि इनकी प्रकृति गर्म होती है ना, ये क्या करती है, अपने साथ मानसूनी पवन अपने साथ नमी धारण किए रहती है, थोड़ी थोड़ी चीजें आपको एक्स्ट्रा एड ऑन करनी पड़ेंगी। मेन चीज को तो वही रखना है, मेन चीज को छोड़ना नहीं है जो कि आपने दो नंबर में लिखा था, थोड़ी थोड़ी चीजें वहां पर एड ऑन करनी है। उसके बाद 4 मार्क्स में आपका 60 मतलब 60 शब्द सीमा के हिसाब से हो जाएगा। फिर हम बढ़ते हैं यहां पर 8 नंबर के हिसाब से, तो 8 नंबर में अगेन ये सारी चीजें जो मैंने बताई, क्या क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले, हमने बताया था कि भैया ये जो रहती हैं दो प्रकार की होती हैं, एक जो है पश्चिम से पूर्व चलती हैं, एक पूर्व से पश्चिम चलती हैं, है ना, ये क्षोभ मंडल की सीमा से भी थोड़ी सी ऊंचाइयों पर यानी कि 9 से 13 किलोमीटर के आसपास ऊंचाइयों पर रहती हैं, एंड ऑल जो चीजें मैंने बताई ये दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री के आसपास वाले क्षेत्रों में प्रवाहित होती हैं, उसके बारे में आपको बताना है। क्योंकि देखो 8 नंबर में तो आपको पूरी चीजें बतानी पड़ेंगी ना, भूमिका बनानी पड़ेगी, तो यहां पर हमने पहले भूमिका बना दी है, उसके बाद फिर लास्ट में वही पुरानी चीजें जो 2 और 4 मार्क्स वाली में थी उसको यहां पर एडाउन कर दिए, लिख दिए। तो ये कला आपके अंदर आनी चाहिए और ये तमाम चीजें हमारे पूरे फैकल्टी मेंबर्स बिलासपुर रायपुर दुर्ग राजनांदगांव में जो कि 1 मार्च से शुरू हुई क्लासेस यहां पर हम आपको बताने वाले हैं और इसी प्रकार से डिटेल में आपको यहां पर हम लोग पढ़ाई करवाएंगे। बहुत मजा आएगा, बहुत आनंद आएगा। यदि अभी तक हमारे इस प्रोग्राम से आप नहीं जुड़े हैं तो आइए और जरूर जुड़िएगा, और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए बनी रहेगा आप हमारे साथ यानी कि कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के साथ। मिलेंगे किसी और इंफॉर्मेशन के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।